अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं उसामा नूर। तो आज हम बात करेंगे, इक्वेशंस दी हूं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 5। एक इक्वेशन दे दी गई है जी x - y = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन दी गई हैं, हम इनको किस तरह सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है इन्वर्जन मेथड और एक होता है क्रैमर रूल। आज हम बात करेंगे इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल्स की। ठीक है, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, आए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.6 में हम देखेंगे कि इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है, वो कहता है यूज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड, द क्रैमर रूल, या इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है और एक क्रैमर रूल से। इस एक्सरसाइज में से 1.6 में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यानी कि कोई ये 6-8 पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं, 8 में से एक जो है वो लॉन्ग में मस्ट आता ही आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऊपर लिखा होता है कि इसको इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर रूल से, दोनों में से किसी एक मेथड से इसको सॉल्व आउट करना होता है। तो आए हम देखते हैं, पहले हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि एक्सरसाइज हमारे पास है जी 1.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1, क्वेश्चन है जी 2x - 2y = हमारे पास है 4, और दूसरा है जी 3x + 2y = 6। मैं इसी पार्ट को, इसी क्वेश्चन को जो है वो इन्वर्जन मेथड से भी और इसी को जो है वो क्रैमर रूल से भी सॉल्व करके चेक करवाऊंगा। तो पहले मैं आपको क्रैमर रूल इस्तेमाल करके चेक करवा देता हूँ कि क्रैमर रूल में हमने क्या करना है, और उसके बाद जो है वो इन्वर्जन मेथड के तौर तरीके से सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे हम लिखेंगे द मैट्रिक्स, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, फॉर्म इज, कि इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो क्या है जी। मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो वो 2 - 2, ये आ जाएगा 3 और ये 2, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा जी x and y = हमारे पास आ जाएगा जी 4 and 6। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं x और y एक वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हम उन वेरिएबल्स के जो फ्रंट पे कॉन्स्टेंट नंबर जो है उसका कॉफिशेंट जो लगा हुआ है उसको हम अलहदा एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको अलहदा, और जो हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे हैं उनको अलहदा एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि हमने इसको जो है किस मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं लिखता हूँ हमने किस मेथड से करना है जी, क्रैमर रूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी क्रैमर रूल। ठीक है, तो क्रैमर रूल यूज़ करना है हमने जी। जब हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है, जिस तरह मैं करवा रहा हूँ सेम उसी तरह आप जो है अगर पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 5 नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया क्रैमर रूल यूज़ कर लें। अब क्रैमर रूल में हमने करना क्या है, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने क्या देना है कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक्स है, और ये हमारे पास है जी बी। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये ए है, ये मैट्रिक्स हमारे पास एक्स है, और ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है जी, तो आए देखते हैं क्रैमर रूल हमें क्या कहता है। मेन जो चीज़ होती है वो हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। क्रैमर रूल यूज़ करें या इन्वर्जन मेथड यूज़ करें, जो मर्जी मेथड यूज़ करें, उसमें हमने मेन काम यही करना है कि एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आए देखते हैं जी। एक्स के लिए हमने करना है जी x = हमारे पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और नीचे हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। दूसरा हमारे पास क्या है जी, y है, तो हमने क्या करना है जी, y = होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट।
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है? ए का। अगर ए का डिटर्मिनेंट नाउन सिंगुलर है तो हम इसको सोल्व कर सकेंगे आगे क्वेश्चन को, अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम वहां पे कह देंगे सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई थिंक इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 या 3, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो जो है वो आप जब सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है। चाहे आप उसको क्रैमर रूल से करें या इन्वर्जन मेथड से करें, जिससे मर्जी करेंगे तो आपका क्या होगा कि वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए का पहले डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लें। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए का डिटर्मिनेंट जी हमारे पास ए है 2 - 2, 3 and 2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट तो मैंने आपको सिखाया हुआ है किस तरह फाइंड आउट करना है जी। इनको आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देंगे आप। ए का डिटर्मिनेंट 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, साइन किसका आता है माइनस का, अब ये भी माइनस का है तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 3। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, माइनस माइनस प्लस, 2 को 3 से करवाएंगे तो 6 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ गया 10। तो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर तो आगे क्या होगा इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। जब नॉन सिंगुलर होगा तब ही उसका क्या होगा सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। आगे इसको क्या करना है जी, आगे हम इसको देखेंगे कि हमने इसमें जो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब पहली बात कि ए एक्स हमारे पास क्या चीज़ होगी, ठीक है ना, ए एक्स मैट्रिक्स कौन सा होगा। ए एक्स फाइंड करना बहुत आसान सा है जी। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है इसका पहले वाला कॉलम ख़त्म करके उसकी जगह पे ये आप जो आपके पास इक्वल में बी है उसकी वैल्यूज पुट करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका पहला कॉलम ख़त्म करके उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, ये जो कॉलम है इसको यहाँ पे लिख देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा ए एक्स। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जी। ये हमारे पास है 4 and 6, ठीक है 4 and 6। उसके बाद ये वाली जो है वो वैल्यूज वैसे की वैसे ही -2 and 2, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट 4 and 6 - 2 and 2, ठीक है। अब बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास एज इट इज़ ये क्या आ जाएगा जी, 4 - -2 - 2 - 6। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये 8 - - प्लस, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो ये हमारे पास आ गया 20। बात क्लियर हो गई। अब दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई हमारे पास कैसे बनेगा जी वो देख लें। ए वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, अब ये चीज़ एज इट इज ही रह जाएगी, ठीक है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। और इसकी जगह पे आपने इस कॉलम को ख़त्म करके ये वाली वैल्यूज इधर पुट करवा देनी है। कैसे जी, 2 and 3 आ जाएगा और इधर हमारे पास 4 and 6 आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट ले ले, ए वाई का डिटर्मिनेंट 2, 3, 4 and 6, ठीक है। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2 - 6 - 4 - 3। ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 - 12 - 12, तो क्या आ गया 0। यानी कि ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया जी, वो हमारे पास है 0, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। सारा कुछ हमारे पास क्लियर हो गया है। अब हमने सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है जी, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इधर मैं इनकी वैल्यूज पुट करवा देता हूँ। x हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एंड y हमारे पास है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। बात समझ आ रही होगी, बहुत आसान सा है, बहुत ही इजी मेथड है। 5 नंबर आपके यहाँ से ही पक्के हो जाने हैं क्योंकि आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन जी हमारे पास x रहा एज इट इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है जी 20, ये 20 एज इट इज़। अब a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 10, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा जी। और साथ y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0, ठीक है, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया था। क्लियर हुआ। अब जी ये देखिए 10 1 10, 10 2 20,
x इज इक्वल टू हमारे पास 2 एंड y इज इक्वल टू 0 ओवर 10 तो वो 0। तो इसका सोल्यूशन सेट हम जब लिखेंगे तो x हमारे पास 2 है और y क्या है 0, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्रैमर रूल समझ आया होगा। बहुत आसान सा मेथड है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखना है और आराम से आप जितने इसके 8 के 8 पार्ट हैं, अगर कोई भी इनमें से क्रैमर रूल आ जाता है तो आप उनको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्जन मेथड की। इसी क्वेश्चन को जो इसका आंसर आया है क्रैमर रूल से, वही इसका आंसर क्या आएगा, आप इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे तो वही इसका आंसर इन्वर्जन मेथड से भी आएगा। चेक कर लेते हैं जी, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा सबको। अब इन्वर्जन मेथड में क्या करना है जी, हमने सिर्फ और सिर्फ, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें भी, सारी चीज़ें एज इट इज ही करनी है। लें जी गाइस, तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अब इन्वर्जन मेथड की। इन्वर्जन मेथड में हमने क्या करना है जी, हमारे पास काम सेम ही है, ठीक है, इसको बोलते हैं जी इन्वर्जन मेथड, ठीक है ना, इन्वर्स मेथड भी बोलते हैं इसको, इन्वर्स रूल यूज़, ठीक है। अब बेटा काम वही है, ठीक है, चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट लेके आना है इसमें। अब वही चीज़ें हमने लेट करनी है कि ये हमारे पास ए है, ये एक्स है और ये बी है, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है एक्स, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, तो एक्स को हमने एक साइड पर रख लेना है, ये इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होगा, तो इसको मैं ए इनवर्स बी लिख लूँगा, ठीक है ना। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल लें, ठीक है। उसके बाद हमने पहले फाइंड करना पड़ेगा ए का इन्वर्स, वो क्या होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, मैंने आपको बताया तो हुआ है ना, पिछली एक्सरसाइज 1.5 में हमने किया कि इन्वर्स एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, सारी की सारी हमने चीज़ें जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में सीखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा वो लेक्चर अच्छी तरह, नहीं देखा तो आप पीछे जा के जो नेक्स्ट पीछे वाला लेक्चर है उसमें आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है जी, ए का डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास है जी 2, 3 माइनस का 2 एंड 2, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ए का डिटर्मिनेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, ये माइनस माइनस प्लस, 2 को 3 से तो 6, ये हमारे पास 10। तो क्या हुआ, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर, तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है जी, इसका सोल्यूशन है जी पॉसिबल, ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है जी, यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट में हम लोग इसकी और इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये इन दोनों के आपस में जगह रिप्लेस करवा देते हैं जी। तो जगह रिप्लेस करवा लें जी, ये 2, ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसी में जो है वो वैल्यूज़ पुट करवा के आप चेक कर लें जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू आई है 2, 2 माइनस 3 एंड 2, और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था जी 10। इसको मैंने आपको बताया था ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 10 भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास 2, 2 माइनस 3 एंड 2, ठीक है। अब यही वैल्यूज़ हमने इधर पुट करवा देनी है इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लें पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, जब आप इक्वेशन 1 में इसको पुट करवाएंगे तो देखते हैं क्या बनता है जी हमारे पास। x इज इक्वल टू हमारे पास आया 1 ओवर 10, दूसरे नंबर पे है जी 2, 2 माइनस 3 एंड 2, और इधर हमने b की वैल्यू, देखे ना ये मैंने a इनवर्स की वैल्यूज पुट करवा दी। अब b की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड 6, ये हमारे पास 4 और ये आ गया जी 6, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पहले इन दोनों को आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी। चेक कर लेते हैं जी, x की जगह पे उसकी वैल्यूज लिख दें, x हमारे पास है x एंड y के इक्वल,
इज इक्वल टू 1/10। इस रो को जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 × 4 प्लस 2 × 6। नेक्स्ट कॉलम नहीं है तो इसलिए हम यहाँ तक ही इसको बाइंड अप करेंगे, −3 × 4 प्लस 2 × 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x एंड y इज इक्वल टू 1/10। 4 × 2 × 8 प्लस 6 × 2 × 12। ये −12 और ये +12, ठीक है। x एंड y हमारे पास एज इट इज इक्वल टू 1/10। ऊपर हमारे पास 20 और नीचे 0, क्योंकि 12 में से 12 माइनस करेंगे 0, 12 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा जी। अब उसके बाद हमने देखना है जी, ये हमारे पास आ जाएगा x एंड y इज इक्वल टू, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो अंदर जाके हर एक नंबर पे डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा जी। x एंड y इज इक्वल टू हमारे पास 2 और नीचे हमारे पास 0, ठीक है। तो वही चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी जी, अगेन x इज इक्वल टू 2 क्योंकि ऊपर वाला जो होता है वो ऊपर वाले के इक्वल, और नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाले के इक्वल, क्योंकि हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो इसका भी सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 और 0। देखें हमने क्रैमर रूल से सॉल्व किया, आंसर वही, हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया, आंसर वही। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना है दिमाग को और आप लोग सीख जाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये थी एक्सरसाइज 1.6 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स ही करने हैं। सेम एक क्रैमर रूल है या इन्वर्जन मेथड है, जो भी क्वेश्चन आपने करना है वो क्रैमर रूल से होगा या इन्वर्जन मेथड से होगा, और किसी मेथड से आपको क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से रहेंगे, सेफ एंड हेल्थी रहेंगे।